फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से सुमधा किचन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल कुछ रेसिपीज, जिसमें मैं बनाऊंगी बादाम पट्टी और तिल के पेड़े। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि तिल के पेड़े कैसे बनते हैं। तो तिल के पेड़े बनाने के लिए हम 100 ग्राम तिल लेंगे और हम इसे सोना होने तक भून लेंगे। हम इसे लो फ्लेम पे भुनेंगे। हमारा तिल भुन चुका है, तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक पैन में 750 ग्राम फुल क्रीम मिल्क लेंगे और इसके गाढ़ा होने तक इसको हम पकने देंगे। और जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम तिल को पीस लेते हैं। और यहाँ हमने तिल का पाउडर बना लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा दूध भी जो गाढ़ा हो चुका है, तो हमने जो तिल का पाउडर बनाया था पीस कर, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको मिला देंगे अच्छे से। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 100 ग्राम गुड़ ऐड कर देंगे। जितना हमें तिल लेना है, हमें गुड़ भी उतना ही लेना है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमारा गुड़ पिघल नहीं जाता। अब देख सकते हैं गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसके गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम अपना फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि ये और गाढ़ा हो जाए और पेड़े अच्छे से बन सके। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हो कि कितना गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसका पेड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। पेड़ा का शेप देने के लिए मैंने एक बॉटल का ढक्कन लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम मिश्रण का छोटा सा पोर्शन लेकर उस ढक्कन में डालेंगे और इसको पेड़ा का शेप दे देंगे। देखिए हमारा पेड़ा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम बाकी मिश्रण को भी पेड़े का शेप दे देंगे। और ये मैंने सारे पेड़ों को शेप दे दिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लीजिए, हमारा तिल का पेड़ा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा रेसिपी, बादाम पट्टी। बादाम पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 150 ग्राम मूंगफली लेंगे और इसे भून लेंगे। हमारा बादाम भून चुका है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा, तो हम इसके छिलके निकाल लेंगे। हमने मूंगफली के छिलके निकाल लिए हैं। अब हम एक पैन में 150 ग्राम गुड़ लेंगे और इसके 2 चम्मच पानी डालकर इसे मेल्ट होने देंगे। हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है, तो अब हम अपना फ्लेम लो कर देंगे और गुड़ को पकाएंगे जब तक कि इसमें पाग ना बन जाए। पाक बन गया है, तो चलिए हम गुड़ को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये तैयार है या नहीं। चेक करने के लिए हम एक प्लेट में पानी लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स गुड़ के डालेंगे और एक मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जब हम इसको निकालेंगे और ये अगर टूटने लगे, इट मीन्स कि हमारा गुड़ तैयार हो चुका है।
चलिए हम देखते हैं इसको तोड़कर। हम देख सकते हैं टूट नहीं रहा है अभी, इसका मतलब कि हमारा भी गुड़ तैयार नहीं है। तो इसे एक दो मिनट के लिए और हम पका लेते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं पानी में डालकर। और ये देखिए ये कैसे टूट जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम गुड़ में एक चम्मच देसी घी डालकर मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें मूंगफली डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक प्लास्टिक लेंगे और उस पर अच्छे से ऑयल ग्रीस कर देंगे। अब हम इस बादाम पट्टी के मिश्रण को इस प्लास्टिक पे डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसे बेलन की मदद से इसे पतला कर लेते हैं। अब हम इसे चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे जो भी शेप आपको चाहिए वैसा। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये बाहर आ गया, बिल्कुल चिपका नहीं। वो चलिए हम इसके पीसेस निकाल लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं कितना आसानी से ये टूट जा रहा है। तो ये जितना ठंडा होगा उतना ही आसानी से ये निकलेगा। तो हमारा बादाम पट्टी भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपीज, तिल के लड्डू और बादाम पट्टी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।